बिहार न्यूज़ की टीम मुखिया 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 आपके द्वार कार्यक्रम के तहत इस बार पहुंची है रोहतास ज़िले में। रोहतास ज़िले का प्रखंड है और इस प्रखंड की अगर हम बात करें तो इस प्रखंड में कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं। यहां से मुखिया है, जिस पंचायत की हम बात करें तो ये पंचायत है पकड़िया पंचायत। पकड़िया पंचायत से मुखिया जी मोहम्मद परवेज़ आलम जीत करके आए हैं और इस बार जो है कई सारे बदलाव की बात परवेज़ आलम जी कह रहे हैं। परवेज़ जी, आपका बिहार में स्वागत है। धन्यवाद। नल जल की स्थिति से लेकर के सोलर लाइट और पेपर ब्लॉक के काम से लेकर तमाम काम पर कितना काम हो पाया है पंचायत में और कहाँ दिक्कतें अड़चने आ रही हैं? सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस न्यूज़ के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमारे पंचायत पकड़िया में सौर ऊर्जा लाइट पहले नंबर अभी प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें हम लोग 8 वार्ड में लाइट लगाने का काम कर चुके हैं और लमसम उसका पेमेंट भी क्लियर हो चुका है। अभी 7 वार्ड बाकी है, लगाना है। लाइट तो टेंडर के माध्यम से लग रहा है? हाँ, लाइट तो टेंडर के माध्यम से लग रहा है। मेंटेनेंस का सवाल फिर उठता है, मेंटेनेंस कैसे हो रहा है? मेंटेनेंस में कुछ दिक्कतें आ रही है, जो भी ठेकेदार लोग हैं लिए हुए हैं ठेके, लेकिन समय पे मेंटेनेंस नहीं कर रहे। मेरे यहाँ भी 5 लाइट बंद है, पेमेंट होने के बाद भी, सूचना देने के बाद भी वो लोग नहीं आ रहे हैं, फ़ोन तक रिसीव नहीं करते हैं। लाइट नहीं जलेगा तो सवाल मुखिया जी से लोग करेंगे तो गाज मुखिया जी पर गिरेगा जी। एकदम हमसे सवाल करते हैं कि ये लाइट नहीं जल रहा है, कैसा लाइट लगाए, तो हम लोग को तो पूरा इसका जवाब दे ही है और फ़ोन करने पे जो वेंडर है वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो कार्य आ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको कितना अमली जामा आप पहना पाए? 7 निश्चय का ही ये योजना है, सौर ऊर्जा लाइट बहुत बढ़िया योजना है। लाइट लगाने का काम बहुत अच्छा है और लाइट का लाइट भी अच्छा है, रात में जलता है, लेकिन जो ये दिक्कत आ रही है ये बहुत बड़ा समस्या है कि वेंडर लोग सवाल नहीं सुनते हैं। नली गली की स्थिति? नली गली ठीक है। मेरे यहाँ 7 निश्चय से पैसा जो आया उसका हमारे पूर्व में जो मुखिया जी काज कराए उसके काम करने के बाद भी बहुत सारे भी नली गली है जो बन नहीं पाई है। जैसे महादलित टोला है मेरे यहाँ, बहोरी बीघा महुअरी महादलित टोला है और सरजू बीघा महादलित टोला है, नारायण महादलित टोला है, बहुत जगह भी ऐसा है, सलिया गांव में है, बहुत सारा है टोला के, अभी बहुत सारे नाली गली छूटे हुए हैं पैसे के अभाव में। जो टाइड एंड टाइड हो गया है, टाइड मद में पैसा जो आता है उसको हम लोग स्वच्छता पे तो सुखता पे यही सब योजना पे हम लोग खर्च कर देते हैं। सरकार का गाइडलाइन है और नाली गली में पैसा बचता नहीं है कि उसमें हम लगा पाए, शायद एक हाथ नाली गली कहीं कहीं रिपेयरिंग बन पाती है। अच्छा, टाइड एंड टाइड योजना हो जाने के बाद मुखिया जी को काम करने में दिक्कतें हो रही हैं क्या? बहुत सारा दिक्कतें आ रही है टाइड एंड टाइड से। जो अनटाइड का पैसा है तो वो तो लाइट में ही इस वक्त चल जा रहा है, उससे तो कोई हम लोग काम कर सकते नहीं, जबकि सरकार का उसमें अतिरिक्त पैसा देना था वो नहीं हम लोग को मिल पाया, वो चीज़ें नहीं मिल पाई। पैसा कोई अतिरिक्त लाइट के नाम पर नहीं आया है, जो हम लोग को 15वीं वित्त का पैसा आता है उसी से हम लोग अनटाइड योजना से लाइट लगाने का काम कर रहे हैं। अनटाइड से जैसे भवन निर्माण का काम करना था, छठ घाट का और निर्माण करना, बहुत सारा योजना है तो वो सब काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। काम आप लोग नहीं कर पा रहे, राशि वापस लौट जाएगी, काम नहीं करेंगे? राशि लग जा रही है लाइट वाले योजना में। अच्छा। हाँ, लाइट वाली योजना जो चल रही है तो उसी मद में पैसे लग रही है। अभी तो पेमेंट हुआ, फिर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, फिर और लाइटें लगेंगे, फिर और पेमेंट करना है। लाइट लगाना है तो 7 निश्चय का अलग खाता खुलवा के उसमें पैसा सरकार अगर हम लोग को दे देती है तो बहुत सुविधा होगी काम करने में। काफ़ी एक्टिव मुखिया है आप, है सुबह से ही जाग जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र भ्रमण करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, पंचायत भवन जाते हैं, तो काफ़ी एक्टिव आप हैं जी। इस कार्य में तो एक्टिव रहना पड़ रहा है, जनता ने चुन के आगे बढ़ाया तो जनता का काम करना ही है। मुखिया सुबह से रात तक ड्यूटी करता है, रात भर समझिए, जब फोन आ जाए, कॉल आ जाए, कोई समस्या हो जाए तो मुखिया को काम करना ही है, जनता का 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है। एक्टिव रहना पड़ता है। जनता की समस्या का समाधान हो रहा है कि जनता की समस्या लगातार? सरकार द्वारा बहुत सारा योजनाएं चलाई गई, जन संवाद योजना मेरे यहाँ चला जी, जन कल्याण योजना चला, हम लोग शिविर लगाए, बहुत सारे पब्लिकों का फॉर्म जमा हुआ, जिनको जो समस्या थी उस पर जाँच पड़ताल हुआ, सारे लोगों का समस्या का समाधान हो रहा है। सरकार की तरफ से
सिर्फ दिक्कतें हैं तो राशि के लेकर दिक्कत है। पंचायत में राशि जैसे सात निश्चय में आया उस तरीके से राशि नहीं आ रही है, और बाकी सारा योजना बहुत बढ़िया, जन सर्वा से बहुत से लोग जागरूक हो गए, सारा योजना के बारे में जानने लगे, सारा पोर्टल पर योजना है, सभी लोग देखते हैं। अच्छा, किस तरह का विजन अब ले रहे हैं, आपका तीन साल हो चुका है, अब विजन क्या है आपका पंचायत को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे अपने पंचायतवासियों? मेरे पंचायतवासियों को कहना है कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं अभी आ रही हैं, जल्द ही एक्टिव हो जाएगा। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आने वाली है जिसमें नाम जोड़ा जाएगा, और प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 24-25 में जो व्यक्ति छूट गए हैं लक्ष्य आया है वो पूरा होगा। जिन जिन व्यक्तियों का आवास योजना में नाम है उन लाभार्थियों को दिया जाएगा आवास, आने वाले समय में बेहतर होगा। हाँ।